अपडेट कर रहे हैं आपको नवाबशाह से। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन का मुस्तकबिल की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, वो मूल दुश्मन थे और रहेंगे। सिंध के मजलूम महाजिर इनका असल चेहरा आप पहचान चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद कायम खानी ने नवाबशाह में PSP के जिले ही सदर सैयद काजिम हुसैन शाह की रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि आइंदा सिंध की सियासत में PSP अहम किरदार अदा करेगी। सैयद मुस्तफा कमाल सिंध की आवाम का हकीकी दर्द रखने वाले रहनुमा हैं। इन्होंने कहा कि PP 14 साल से मुसलसल सिंध पर हुकूमत कर रही है, मगर आज सिंध की आवाम बेरोजगारी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों से जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। सिंध के लोगों को एम्बुलेंस की सहूलियत नहीं है, वो अपने मरीजों को चंगची फट्टो गधा गाड़ियों बैलगाड़ियों में लाने पर मजबूर है। सिंध के लोग बुनियादी सहूलियत को तरस रहे हैं, मगर सिंध के लोगों से वोट लेकर इन पर हुक्मरानी करने वाले अपनी जेबें दोनों हाथों से भर रहे हैं। सिंध की आवाम को लावारिस छोड़ दिया गया है। PTI मुल्क पर 3.5 साल से तब्दीली का नारा मारकर हुकूमत कर रही है। तरीके इंसाफ की गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है। गरीब एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद रवाना हो चुकी है। तरीके इंसाफ घोटकी से कराची सिंध बचाओ मार्च कर रही है। ये दोनों पार्टियां किस मुंह से आवाम का सामना कर रही हैं? MQM 2 वफाकी वजारते लेकर खूब मजे लूट रही है। इन्हें आवाम का दुख दर्द का कोई एहसास नहीं, बल्कि अपने मुफादात अजीज हैं। मुल्क की आवाम आइंदा इलेक्शन में इन्हें वोट ना दें, बल्कि PSP को एक मर्तबा मौका दें। हम मुल्क और सिंध की आवाम की तकदीर बदल कर रख देंगे। हमारे कायद मुस्तफा कमाल एक पढ़े लिखे लीडर हैं, वो आवाम का हकीकी दर्द रखते हैं। मुस्तकबिल अब PSP का है। हम आकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे और मुल्क में हकीकी तब्दीली लाएंगे। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल HRJD News।